हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से 2023 के लिए हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और जो भी आपने मैनिफेस्ट आप करोगे वो सब कुछ फुलफिल्ड हो, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से बीते ये साल, यही मैं आशा करती हूँ। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसका आपको सॉल्यूशन मिले, ठीक है। जो भी आपने सोचा है वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपके लिए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। पहला आया है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, तो जेमिनी लिब्रा एक्यूरस है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, टावर। ओ, ये क्या हो गया। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, टू ऑफ सोर्ड। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, एम्परर। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। एंड ऑफ द डेक क्या आता है देखते हैं, टेम्परेंस। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्यूरस या आप हो सकते हैं लियो, हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्यूरस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस भी हो सकते हैं, ठीक है, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड। जो फर्स्ट लाइन है वो तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो है इस वक्त अपसेट है, जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त खुद को ऐसा लगता है कि कुछ अपने लाइफ में किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी स्ट्रगल है जिसे कि आपके पर्सन उसे डील कर रहे हैं, अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल करके आपके पर्सन डील कर रहे हैं। पर क्योंकि हमारा सवाल तो ये है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो आपसे खुद को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये कल के रीडिंग में भी आया था जो मैंने पिका कार्ड किया था, जो ग्रुप 1 के लिए था, ग्रुप 1 के लिए था या ग्रुप 2 के लिए था, तो उसमें ये आया था, तो वही एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर वो शक्ति ला रहे हैं कि वो आपसे खुद को इमोशनली डिटैच कर पाए, ठीक है। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार उनको वही पुरानी यादें जो आपके साथ बिताई हुई है, वो पुरानी यादें बार बार आ जाती हैं, क्योंकि आप दोनों ये बहुत अच्छा वक्त बिताया है एक दूसरे के साथ, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे अच्छे आप दोनों के पीछे मेमोरीज है। एक दूसरे की तरफ देखना, एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करना, ठीक है, घूमने जाना, या फिर ऐसा मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही लविंग और बहुत ही इनोसेंट सा आपका लव रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपसे जो है भुलाने की कोशिश करते हैं, पर भूलना इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है। सडनली जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन सडनली आपको भूल जाए, तो इनके लिए ये मुश्किल हो रही है। पर आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है,
बहुत हद से ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, पर इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ईगो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन बोल्ड डेयरिंग है, पर ये इस वक्त आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुए हैं, आपके थ्रू ही हर्ट हुए हैं। ठीक है, आपसे हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा हर्ट ना हो। ठीक है, दोबारा ये अगर आपके पास अपने इस तरीके की फीलिंग्स, जो ये आपके लिए इतने पैशनेट फील करते हैं और जो अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है, अगर वो आपको बताए तो आप हो सकता है कि उनको दोबारा हर्ट ना कर दो। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच के अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आप बहुत डिज़ायरेबल हो। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं। सीक्रेटली ये पर्सन यही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हमेशा आपके ऊपर रहे। ये सीक्रेटली ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनके प्यार से कभी भी बाहर ना आ पाओ। इस तरीके से आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स रहती है। तो हम देखते हैं कि ये पर्सन इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको पता होगा क्यों कर रहे हैं, फिर भी देखते हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने अभी तक इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है आपके लिए, रूखा रूखा बिहेवियर क्यों है? देखिए, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है। इसका मतलब है आप दोनों के बीच में चीज़ें मैनिफेस्ट होने में या चीज़ें आगे बढ़ने में बहुत वक्त लगा। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वक्त लगाया सोचने में, या हो सकता है आपने लगाया डिसीशन लेने में, कि या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आपको इतना चाहते हैं, बहुत लेट में रियलाइज़ हुआ। ठीक है, जब आप हाथ से निकल गए तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि ये आपको तो बहुत चाहते हैं, आप इनके बिल्कुल दिल की धड़कन हो, ऐसा ये पर्सन सोचने लगे। ठीक है, आपके लिए कमिटमेंट ये फील करने लगे, और इनको लगता है कि ये चीज़ें रियलाइज़ होने में उन्हें बहुत टाइम लगा कि वो आपको इतना चाहते हैं। आपके पर्सन क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं देखते हैं, आपके पर्सन आपसे क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं, इमोशनली डिटैच्ड क्यों बिहेव करते हैं। एट ऑफ वैंड्स और एट ऑफ कप्स, ऐसा लगता है मुझे कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप रहा है एक दूसरे के साथ। हो सकता है ईगो की वजह से आपने अचानक से बात करना बंद कर दिया, या फिर मैं पहले क्यों करूं इस तरीके एटीट्यूड की वजह से आप दोनों ने बंद कर दिया, तो अचानक से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है। फिर भी देखिए, जो ये आठ कप है ये अभी भी है, यहाँ पर स्टेबल है, तो अभी भी फीलिंग्स है। भले ही आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करो, तो ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में बिना कुछ बोले चले गए। अब इनको वो रिग्रेट भी होता है। ठीक है, रिग्रेट भी होता है कि इन्होंने अपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लगा दिया, और जब कम्युनिकेट किया तब तक आप जो हो अपनी लाइफ में एक नए रास्ते में चले गए थे, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं। आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए देखते हैं, आपके लिए और क्या फील करते हैं ये पर्सन, आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील करते हैं। यहाँ पर कार्ड जो आया है वो है चैरियट। आपके पर्सन चाहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, और उनको लगता है कि अब कुछ एक्शन लेना होगा तभी सिचुएशन ठीक होगी। ठीक है, आपके पर्सन को ये मन में है, ये रियलाइजेशन है कि कुछ एक्शन लेना होगा।
तभी चीजें आप दोनों के बीच ठीक होगी। पर देखिए किस तरीके से कभी कभी इनको लगता है कि चलो ले लेते हैं एक्शन, ठीक है, दूसरे ही टाइम में ये अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। मतलब बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं अपने डिसीजन को लेके कि आगे बढ़े कि नहीं। कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है कि अपने लाइफ में किसी दूसरे पाथ में जाए, पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके साथ जो इतना स्ट्रांग लव फील करते हैं उसकी वजह से ये पर्सन अपने लाइफ में अगर किसी और के साथ भी आगे बढ़ना चाहे तो ये पर्सन नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंटली फील कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए करेंटली। लॉयल, ट्रस्टवर्दी, आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंटली फील कर रहे हैं। ओके, इसमें मैसेजेस भी हैं साथ में, दोनों एक साथ हैं। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी, वो ये भी सोच रहे हैं। और आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कमिटल, आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। रिलीजिंग, हीलिंग, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर आपके पर्सन। कम बैक, रिस्टार्ट, रीजनरेशन, ठीक है, यहाँ पर ये सारी आया है कार्ड। और ये है इनटॉलरेबल पेन, बाउंडेड, ठीक है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त देखते हैं। यहाँ पर है लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, ये पर्सन का जो दिल है वो आपके लिए बहुत लॉयल है, मतलब ये प्यार आप ही को करते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में ये फंसे हुए हो प्यार आप ही को करते हैं, क्योंकि यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी, उनको पता है कि आप ही उनके लाइफ में वो बेस्ट थिंग हो, बेस्ट चीज हो जो हैपन हुई है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है इस वक्त किसी पास्ट के किसी सिचुएशन से खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन पहले रिलेशनशिप में थे, अब सिंगल हो चुके हैं और वो अब अपने लाइफ में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कम बैक, रिस्टार्ट, रीजनरेशन, ये चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप की नई बिगनिंग, ठीक है। बहुत टफ है, बहुत टफ सिचुएशन है यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं आयरन रॉड है और बीच से एक पौधा छोटा सा उग रहा है, इसका मतलब सिचुएशन बहुत टफ है, पर ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, पुरानी चीजों को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इनटॉलरेबल पेन, बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड मतलब हो सकता है किसी ऐसी मजबूरी की वजह से ये पर्सन आपके लिए इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन, स्ट्रांग प्यार फील करते हैं, इनका हार्ट आपके लिए इतना लॉयल है, पर ये कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, कोई दो सिचुएशन में हो सकता है ये पर्सन स्टक हैं उसकी वजह से, तो इस वक्त ये पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उस दर्द से गुजर रहे हैं जिसको वो हील करना चाह रहे हैं, तो वो दर्द है आपसे जुदाई का दर्द, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत याद भी करते हैं। पर अभी आपके पर्सन जो है लाइफ के ऐसे किसी सिचुएशन से भी गुजरे हैं जहां की वो उन चीजों से खुद को अनअटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी अकेले रहकर भी इंसान जो है वो खुद के अंदर वो हीलिंग प्रोसेस करने की कोशिश करता है, तो वो सबको ही करना चाहिए, ठीक है। कभी वो सोच रहे हैं कि मैं अकेले जो है किसी रिलेशनशिप के बिना क्या खुश नहीं रह सकता, वो खुद को ये टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से एक मैसेज आया है और देख लेते हैं। तो ये डेक के बीच में आ गया, इसका मतलब ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज एवर गिवन मी, आई नो यू मिस मी, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं और उन्हें पता है कि आप भी उनको बहुत मिस करते हो। और यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट बता रहे हैं, सोलमेट समझते हैं, दो जिस्म एक जान समझते हैं,
आई लव एवरी थिंग अबाउट यू, उनको आपके बारे में सब कुछ पसंद है ए टू जेड। और क्या फील कर रहे हैं, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे, दूरियां जितनी भी हो प्यार दिन ब दिन बढ़ते ही रहता है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, जब ये आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आप ही का चेहरा दिखता है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आपको पर्सन को बहुत लेट रियलाइज हुआ कि वो आपको इतना चाहते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं कि वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव नाउ आई रिग्रेट। तो ये थी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।